रिजोर्ट से निकलकर कांग्रेस विधायक अब विधानसभा पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए। ये सभी यहां पर बसों में एक साथ बैठकर आए हैं अपना वोट डालने। अब तक पिछले कुछ दिनों से देखा गया, पहले उदयपुर, फिर जयपुर में ये लोग बाड़ेबंदी पर रहे, लेकिन अब यहां से कांग्रेस के तमाम विधायकों को यहां पर लाया गया है। और बकायदा यहां लाने से पहले इन लोगों को प्रशिक्षण भी दिया गया। मंत्री जी, क्या उम्मीदें हैं? तीनों के तीन सीटें जीतेंगे, तीनों सीटें जीतेंगे। लेकिन एक सवाल और, कोई क्रॉस वोटिंग का डर कहीं? किसी भी तरह का कोई नहीं, पूरे एक साथ में है और तीनों सीटें जीतेंगे, कोई क्रॉस वोटिंग का डर नहीं है। मंत्री जी, हम सर क्या उम्मीदें हैं सर? तीनों जीतेंगे, 126 वोट मिलेंगे। दावे तो उधर से भी हैं कि आपके वोट दावे कहाँ है, कहाँ उनके पास वोट है, कहाँ उनके पास वोट, ये कहना है। यहाँ पर ये देखिए, कांग्रेस के तमाम विधायक हैं, अब तक सात थे, इनको बार बार ये प्रशिक्षण दिया गया कि वोट किस तरह से डाले जाने हैं, कहीं कोई वोट खराब ना हो जाए। और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एजेंट हैं यहाँ पर, तो उन्हें दिखाकर ही प्रत्याशियों की प्रायोरिटी के आधार पर सभी वोट डाले जाने हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के प्रत्याशियों का विधानसभा पहुंचना जारी है और अब वोटिंग भी शुरू हो चुकी है। कैमरामैन बलबीर सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।